चलिए क्लास नाइन्थ, कल आपने पालमपुर के बारे में पढ़ा, विलेज पालमपुर के बारे में इकोनॉमिक्स के। अब हम उसी पालमपुर के फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने वहाँ पर हर चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पर किस तरीके से वहाँ की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन फैसिलिटी आदि वहाँ पर किस तरीके का था। अब हम ये पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो फार्मिंग है वो किस तरीके से होती है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं आगे। लैंड इज़ फिक्स्ड, लैंड जो है वो फिक्स्ड है पालमपुर में, ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% जो पीपल हैं वो फार्मिंग पर निर्भर है अपना जीवन जीने के लिए। लाइवलीहुड माने होता है जीवन जीने के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, वो लोग फार्मर्स हैं और कुछ फार्म लेबरर्स भी हैं, यानी कि फार्म लेबरर्स माने जो फार्मर्स के फार्म में काम करते हैं। द वेल बींग ऑफ द पीपल, दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। और इन लोगों के वेल बींग, यानी कि वेल बींग माने क्या होता है, वेल बींग माने होता है कि इनका इनकी जो ग्रोइंग होगी, ग्रोथ होगी इन पीपल्स की, इकोनॉमिकली ग्रोथ जो होगी, आर्थिक संपन्नता जो होगी वो प्रोडक्शन से ही रिलेशन है उसका। जब ये जितना ये प्रोडक्शन करेंगे उतने ही ये इकोनॉमिकली ग्रो होते चले जाएंगे। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पर्टिकली फिक्स्ड। पर ये याद रखना चाहिए कि जो फार्म है वो फार्म प्रोडक्शन के अंदर जो लैंड होता है वो फिक्स्ड, ठीक है, जो लैंड है, लैंड रिसोर्स जो है वो फिक्स है। जैसा कि हमने बताया था कि तीन रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए। प्रोडक्शन का जो एम होता है वो तीन रिक्वायरमेंट को पूरा करके ही फुलफिलमेंट होता है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर। तीसरी रिक्वायरमेंट है कैपिटल, ठीक है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर 1960 से लेकर पालमपुर के अंदर कोई भी लैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ, यानी कि लैंड को बढ़ावा नहीं मिला है, लैंड बड़ा भी नहीं है वहाँ का। कल्टीवेशन बाय देम, सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। लेकिन उन लोगों ने वहाँ का जो लैंड है, उस जो वेस्टलैंड था पालमपुर का जो वेस्टलैंड है उसको ही कन्वर्ट कर दिया है कल्टीवेबल लैंड जिसको उगाया जा सके, ठीक है। वेस्ट लैंड जिसके ऊपर कुछ भी ना उगाया जा सके, ठीक है, उस कुछ भी ना उगाए जाने वाले लैंड को उन्होंने कल्टीवेबल लैंड में, जिस जहां पर फसलें उगाई जा सकती हैं ऐसे लैंड में तब्दील कर दिया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। उनका फार्मिंग जो है, देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। उन्होंने कोई नया लैंड नहीं यूज़ करा है फार्मिंग की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फार्मिंग के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली सेकेंड वे पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ऐसा कोई रास्ता है जिससे कोई ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, जिससे कोई एक ही लैंड से ग्रो कर सके। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इट इज फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद द वीट, फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप
enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. जो यहाँ पर क्रॉप फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनके आधार पर पारंपरिक लोग काम करते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, ये इसको उत्तर प्रदेश के अंदर माना गया है, ठीक है। एक स्टेट, ये गांव उत्तर प्रदेश के अंदर आता है ऐसा माना गया है। जो यहाँ पर लैंड है वो कल्टीवेटेड है पूरा का पूरा, कोई भी खाली लैंड नहीं छोड़ते वो लोग, ठीक है। वो हमें हर फसल में हर सीज़न में फसल उगाते हैं। वो खारीफ फसल भी उगाते हैं, खारीफ फसल जवार बाजरा भी उगाते हैं। और वो कैटल को कैटल के लिए, उनके जो कैटल वगैरह होते हैं उनको फीड करने के लिए भी फसल उगाते हैं। जवार और बाजरा का इस्तेमाल वो उनको फीड करने के लिए करते हैं, जबकि वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में वो वीट भी उगाते हैं, पटेटो भी उगाते हैं अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। वो रबी सीज़न की फसलें भी उगाते हैं, वीट भी उगाते हैं, वो रबी सीज़न की फसल है वीट, ठीक है। और जो भी वीट आती है उसका उसको फैमिली कंजप्शन में यूज़ कर लेते हैं, और जो बची हुई वीट होती है उसे वो मार्केट में बेच देते हैं रायगंज में। रायगंज क्या है, रायगंज एक शहर बताया था मैंने, सॉरी गांव बताया था, बड़ा गांव। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवाइडेड टू शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर शुगर कैन इन इट्स रो फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और यहाँ पर शुगर कैन की खेती भी की जाती है बड़े पैमाने पर, और शुगर कैन यहाँ पर हार्वेस्टेड होता है हर साल कच्चे फॉर्म में, और उसको गुड़ बनाकर उसका बेच दिया जाता है शाहपुर क्या है, एक गांव, एक शहर है इसी के बराबर में। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप इन अयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। ऐसा इसलिए कि वो एक ही लैंड पर इतनी सारी फसल इसलिए उगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरीगेशन का। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन टू पालमपुर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई थी, बिजली जल्दी आ गई थी, इसलिए इरीगेशन भी अच्छे हो गया। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। और यहाँ पर डिफरेंट तरीके से फार्मिंग की जाती है, ठीक है। इरीगेशन के इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से किया जाता है। यहाँ पर पर्शियन व्हील्स यानी कि एक चक्का ले लेते हैं, वो एक व्हील ले लेते हैं और उसके उसको घुमाते रहते हैं खेतों के अंदर, वो उनसे ही पानी पहुँच जाता है, नहीं तो वो अपने कैटल्स का इस्तेमाल करते हैं। पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच। Much larger areas of land more effectively. The first few tubewells were installed by the government. पहली जो tubewells थी वो government ने installed की थी। Soon, however, farmers started setting up private tubewells. जबकि कुछ farmers ने private tubewells ही स्थापित कर लिए अपने खेतों में। As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 2000 hectare was erected. और इसका नतीजा ये हुआ कि 1970s में पूरा का पूरा 200 hectare का इलाका irrigated हो गया था। Not all villages in India have such high levels of irrigation. तो पूरे भारत में आपको इस तरीके का इरीगेशन कहीं नहीं मिलेगा, मे बी बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके का इरीगेशन मिले। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेटू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेटू एट लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन। डेक्कन प्लेटू में महाराष्ट्र रीजन में आप चले जाएंगे, वहाँ पर आपको लो इरीगेशन की फैसिलिटी बहुत कम मिलेगी क्योंकि वहाँ पर पानी की किल्लत होती है। Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. यहाँ irrigation का मतलब समझ रहे हैं ना सब लोग? Irrigation का मतलब है खेतों को पानी की सिंचाई। In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. और 40% से ज़्यादा का हिस्सा जो irrigated है आज irrigated हो गया है, ठीक है, और बाकी का हिस्सा रेनफॉल से इरीगेटेड हो जाता है। टू मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग। और फार जो
पालमपुर के लोग हैं वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक ही लैंड पर, एक ही ज़मीन पर कई सारी फसलें उगाना। मोस्ट कॉमन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स। सभी जो किसान हैं, खेत किसान हैं, वो दो मेन क्रॉप जरूर उगाते हैं अपने लैंड के ऊपर। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15-20 ईयर्स। और पोटैटो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है पालमपुर के अंदर। लेट अस डिस्कस, ये बात का अच्छे है, देखते हैं क्या है आगे। चलिए इतना ही बात है।